हेलो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में तो बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने जो लेक्चर्स दिए थे आपको हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे ऑफ लाइट चैप्टर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जिसके बेसिस पे हमने पूरा चैप्टर का रिविजन किया था ऑल द फॉर्मुलाज एंड सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तो अब इस वीडियो में हम जो रिविजन करने वाले हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है आपको क्विक रिविजन हो जाएगा फॉमुलेज का और कैसे कैलकुलेशन करनी है और एक काइंड ऑफ पूरा चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा ठीक है तो चलिए हम चार क्वेश्चंस लेकर आए अलग अलग कॉन्सेप्ट से आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा चलिए तो क्वेश्चन नंबर वन करंट ऑफ टेन एम्पेयर थ्रू अ कंडक्टर फॉर मिनट्स ठीक है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ़ चार्ज थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर तो पहले तो आपको क्या गिवन है आप गिवन क्वांटिटीज लिख लीजिए हमेशा पहले गिवन क्वांटिटीज लिखिए उसके बेसिस पर आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा फॉर्मुला यूज करना है तो आपको करंट गिवन है दैट इज टेन एम्पेयर आपको टाइम गिवन है टेन मिनट्स आपको कैलकुलेट जो करना है फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ द कंडक्टर आपसे पूछा गया है चार्ज आपसे पूछा गया है क्यू के बारे में ठीक है क्यू के बारे में आपसे बात की गई है तो क्यू के बारे में कौन सा फॉर्मूला आई टी और क्यू को रिलेट करता है करंट की डेफिनेशन दू क्यू बाय टी ठीक है इसमें आपको जो चीज ध्यान रखनी है दैट इज कि आपका जो टाइम है वो टेन मिनट्स में है करंट एम्पेयर में है चार्ज कोलाम में तभी आएगा जब क्यू और टी अपने एसआई SI यूनिट्स में होंगे टी आपका यहाँ पर एसआई SI यूनिट्स में नहीं है तो टी को आपको क्या कन्वर्ट करना है टेन मिनट इंटू सेकेंड्स में आपको इसको पहले कन्वर्ट करना है तो ये कन्वर्जन का ध्यान आप जरूर रखिएगा तो टेन इंटू सिक्स हो जाएंगे सिक्स हंड्रेड है ये कन्वर्जन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये कन्वर्जन नहीं करोगे यूनिट्स का ध्यान अगर आप नहीं रखोगे तो आपके हमेशा जैसे फर्स्ट आंसर आपका गलत हो जाएगा उसी के बेसिस पर आपका सेकंड है फिर वो भी उसका भी आपका रॉन्ग आंसर ही आएगा तो प्लीज बी वेरी केयरफुल विद द यूनिट्स सब कुछ ऐसा ही यूनिट्स में अगर आप रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टाइम को हमेशा सेकंड में रखिए डिस्टेंस को हमेशा मीटर में रखिए ठीक है करंट को एम्पेयर में रखिए तभी आपका चार्ज कोलाम में आ जाएगा तो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी आपको फाइंड आउट करना है क्यू एंड करंट आपको दे रखा है टेन एम्पेयर सो टेन टाइम मल्टीप्लाई में चला जाएगा इन टू सिक्स हंड्रेड इज इक्वल्स टू चार्ज तो कितना हो जाएगा आपका तो चार्ज हमारे पास आ गया है चार्ज इज इक्वल्स टू सिक्स थाउजेंड कोलाम यूनिट जरूर लिखिएगा ठीक है हमेशा जो भी आप आपको क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए दी गई है उसको आप हमेशा उसके यूनिट के साथ ही लिखिएगा तो यहां से हमारे पास करंट आ जाता है आई इज T इंटू टी दैट इज सिक्स थाउजेंड कोलाम चार्ज आपके पास आ गया है अब आपको क्या निकालना है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग चार्ज तो आपको पता चल गया कि जो चार्ज का फ्लो है वो 6000 थाउजेंड का है पर 6000 थाउजेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो कर रहे हैं आपको वो बताना है तो आपके पास यहां से एक और फॉर्मुला रिवाइज हो जाता है जो चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिलेट करता है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल्स टू एन ई बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर Q चार्ज इज इक्वल टू चार्ज हमेशा किसी बॉडी पर कितना होगा द इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन सो एन इज नंबर ऑफ इज इज चार्ज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड तो यहां से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुला रिवाइज हो जाता है दैट इज क्यू इज इक्वल टू एन ई तो चार्ज आपके पास कितना है सिक्स थाउजेंड कोलाम एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटी ठीक है तो सिक्स थाउजेंड ये डिवाइड में आ जाएगा आपके पास और आपको एन आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने चार्ज पर माइनस नाइनटीन ऊपर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा सिक्स बाय सिक्सटीन इंटू टेन की पावर प्लस नाइनटीन एंड टू थ्री एंड फोर तो ये आपका हो जाएगा ट्वेंटी थ्री सिक्स बाय सिक्सटीन इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कोई यूनिट यहां पर नहीं होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई यूनिट यहां पर नहीं होती है ठीक है सो 6 16 टेन की पावर ट्वेंटी थ्री आप यहां पे छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहां से हमारे दो फॉर्मूले रिवाइज होते हैं भौतिक बेसिक फार्मूलास दैट इज i is q t एंड q ne अगर आपको चार्ज दिया हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हो कि इतने चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप इसका यूज कर सकते हैं आपको करंट दिया हो आपको चार्ज पूछा हो तो आई इज इक्वल्स टू क्यूबाई टीका आप यूज कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू आपको आई वी ग्राफ गिवन है एंड ऑफ थ्री डिफरेंट मेटीरियल विद रेजिस्टें आर वन आर टू एंड आर थ्री और आपसे पूछा है कि इन चार केसेस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ठीक है एक चीज आप ध्यान रखिएगा बी वेरी केयरफुल दिस वन इज आर थ्री आर वन एंड आर टू आर थ्री के बाद आर वन और आर टू है तो इसमें थोड़ा सा प्लीज बी वेरी केयरफुल जरूरी नहीं है कि आर थ्री आर टू आर वन हो ठीक है तो उस चीज का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन देते हुए सबसे ज्यादा दिक्कत हम यही करते हैं हमने पहले क्वेश्चंस किए होते हैं हम डायरेक्ट आर वन आर टू आर थ्री की सीरीज में आंसर टेक कर देते हैं पर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को ठीक है तो चलिए और एक और चीज जो आपको देखनी है ये आपको आई वी ग्राफ गिवन है आपको क्या गिवन है आई वी ग्राफ गिवन है तो आपको इनवर्स सोचना है जैसे कि आपको रेजिस्टेंस पता है रेजिस्टेंस क्या होता है रेशियो ऑफ वी आई ग्राफ ठीक है स्लोप होता है वी आई ग्राफ का जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा बट ये आई वी का ग्राफ है मतलब वन बाय आर इज इक्वल्स टू आई बाय वी तो आई बाय बी का स्लोप क्या हो जाएगा वन बाय आर हो जाएगा जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही कम हमारा क्या होगा रेजिस्टेंस होगा तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन होगा जिसका स्लोप सबसे कम है है ना सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा देखो हमने आपसे बात करी स्लोप जितना ज्यादा मतलब i बाय v की वैल्यूज जितनी ज्यादा 1 बाय r की वैल्यू उतनी ज्यादा 1 बाय r की वैल्यूज जितनी ज्यादा r की वैल्यू उतनी ही कम तो जिसका सबसे ज्यादा स्लोप होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा सो so, r3 का रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा फिर R1 फिर R2 तो R3 हमारा सबसे छोटा होने वाला है फिर हमारा R1 होने वाला है और फिर हमारा R2 मतलब R2 आपका सबसे कम स्लोप है तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ऑप्शन वन तीनों इक्वल नहीं R1 वन इज ग्रेटर देन देखो R1 तो बीच में ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता ठीक है R3 थ्री इज ग्रेटर देन आर ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी ऐसी सीरीज नहीं है वैसे भी ये नहीं हो सकता तो ज्यादा भी नहीं सोचते इसमें तब भी हम आपके चूज द करेक्ट आंसर में से हम इनको कट कर सकते थे आर टू इज ग्रेटर सही हमारा आर थ्री आर टू बड़ा है सबसे बड़ा फिर आर वन देन आर थ्री तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है ठीक है ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस में हमेशा वी आई ग्राफ नहीं दिया जाएगा अगर वी आई ग्राफ है तो जिसका सबसे ज्यादा स्लोप उसका उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस ठीक है जैसे इसका सबसे ज्यादा स्लोप है अगर यहां पर वी आई ग्राफ होता तो उल्टा हो जाता आर थ्री सबसे बड़ा हो जाता ठीक है बट आपको यहां पर आई वी ग्राफ गिवन है तो आई वी हो जाएगा आपका वन बाय आर जितना ज्यादा स्लोप उतना ही ज्यादा वन बाय आर और उतना ही कम आपका आर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रिवाइज करते हैं आपके सर्किटल डायग्राम्स आपको क्या करना है कैलकुलेट टोटल करंट थ्रू द सर्किट आपको एक सर्किट प्रोवाइडेड है विद रेजिस्टेंसेस आपको पहले इसके लिए टोटल करंट इन द सर्किट में निकालने के लिए आपको आर इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी लेट्स रिवाइज द फॉर्मुला टोटल करंट इन द सर्किट का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट जाएगा ये वाला करंट आपको फाइंड आउट करना है और इस बैटरी को क्या नजर आता है इस बैटरी को नजर आती है इसकी पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल और टोटल रेजिस्टेंस इसको कोई एक रेजिस्टेंस नजर नहीं आता ये कोई पार्शियलिटी नहीं करता करंट जो बैटरी से जाता है इसको पूरा आर इक्वलेंट नजर आता है तो अगर आपको टोटल करंट थ्रू द सर्किट निकालना है तो आई इज इक्वल्स टू तो टोटल पोटेंशियल अपॉन आर इक्वलेंट आपको बताया वी इज इक्वल्स टू तो आई, आई आर फ्रॉम ओम स्लो ठीक है Equals to IR हो जाता पर कौन सा रेजिस्टेंस आर इक्वलेंट तो आपको इस पूरे सर्किट का पहले आर इक्वलेंट निकालना है तो काइंड kind ऑफ of इसमें एक क्वेश्चन पूछ के आपसे दो चीजें पूछ ली है आर इक्वलेंट के बिना आप टोटल करंट थ्रू द सर्किट नहीं फाइंड आउट कर सकते तो पहले आर इक्वलेंट को फाइंड आउट कीजिए फिर आप टोटल करंट की तरफ जाइए चलो अब आर इक्वलेंट देखते हैं सो so, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जिसके थ्रू जिन रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट जाएगा वो सीरीज में होंगे और जिनके थ्रू डिफरेंट करंट जाएगा वो पैरेलल में होंगे चलिए यहां से करंट को लेकर चले यहां से बैटरी से आई करंट गया टू ओम तक आई करंट पहुंचा तो इसके थ्रू भी आपका आई करंट जाएगा करंट यहां पर पहुंचा करंट को मिल गए हमें दो रास्ते ठीक है करंट को जहां भी दो रास्ते मिल जाएंगे करंट डिवाइड हो जाता है ठीक है करंट को बिल्कुल आप पानी की तरह सोचिए जैसे वाटर को जैसे ही दो रास्ते मिल जाते हैं वो डिवाइड हो जाता है ऐसे करंट को जहां पर भी उसको दो रास्ते मिले वो डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो यहां पर जाते ही उसको कितने रास्ते मिल गए उसको दो रास्ते मिल गए अब ये आई करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो यहां से चला जाएगा लाइक सपोज ये आई करंट आपका आई वन और आई टू में डिवाइड हो गया ठीक है तो यहां से आई वन का आई का कुछ पार्ट इस वाले रेजिस्टेंस में चला गया और कुछ पार्ट इस रेजिस्टेंस में चला गया अब ये करंट आगे बढ़ा यहाँ पे इसको एक ही रास्ता मिला तो इस वाले से भी कितना करंट जाएगा आई वन करंट ही जाएगा इससे इस भी, इस भी आपका आई टू गया आई वन और आई टू इस जंक्शन पर मिल गए दोबारा यहां से आई वन और आई टू जाएंगे आई वन और आई टू ही आपका क्या था आपने आई को ही तो डिवाइड किया था आई वन प्लस आई टू में है ना तो दोबारा ये दोनों आई वन और I2 यहां पर मिल गए मतलब दोबारा I बन गए तो टू ओम से भी कितना करंट जाएगा आई करंट जाएगा इसका मतलब अब देखो ये I और ये I सेम करंट जा रहा है और इस पूरे आम के थ्रू आई करंट जा रहा है ये आई करंट यहां से एंटर करा आई करंट यहां से एग्जिट करा है ना यहां से आई करंट एंटर करा था घूम फिर के यहां पर आई करंट आ गया तो अगर आप इस बीच वाले पोर्शन को सॉल्व कर लो इसका आरिक्वलन निकाल लो फिर ये तीनों आपके सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि तीनों से ही आई करंट जा रहा है तो चलिए अब इसमें इस इस हिस्से को देखिए इसके थ्रू आई वन और इसके थ्रू आई वन दोनों दोनों कैसे हैं सीरीज में हैं ये दोनों कैसे हैं ये दोनों भी दोनों के थ्रू आई टू करंट एंड आई टू करंट तो ये दोनों भी सीरीज में हैं फिर इसके थ्रू आई वन और इसके थ्रू आई टू दोनों में डिफरेंट करंट तो फिर इनके कॉम्बिनेशन आपके पैरेलल में है वन एंड वन टू हो गया टू एंड टू आपका कितना हो गया फोर हो गया और फिर इनका कॉम्बिनेशन कैसा है पैरेलल में तो इसका आर इक्विवेलेंट ऐसे आ जाएगा वो टोटल इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा इन दोनों का सीरीज प्लस इन दोनों का सीरीज और ये पैरेलल में है ठीक है सो so, पैरेलल के लिए वन प्लस वन टू टू प्लस टू फोर पहले आपने सीरीज सॉल्व कर दी फिर उनको पैरेलल में एडजस्ट कर दिया तो वन बाय टू प्लस वन बाय फोर आपको सॉल्व करना है तो आर इक्ट आपका कितना आ फोर बाय थ्री आ जाएगा ठीक है R equivalent कितना आ आ जाएगा? जाएगा, आपका ठीक है अब यह फोर बाय आपका सर्किट कैसा बन गया अब आपका सर्किट ये बन गया ये सीरीज में ये भी सीरीज में और ये भी सीरीज में दिस इज टू फोर बाय थ्री एंड टू अब ये तीनों सीरीज में क्योंकि तीनों के ही थ्रू अब आई आई करंट ही जा रहा है सो so, टू प्लस फोर बाय थ्री एंड प्लस टू फोर प्लस फोर बाय थ्री सिक्सटीन बाय थ्री ये सीरीज में है कोई आपको रेसिप्रोकल नहीं करना कभी आप गलती से यहां पर भी रेसिप्रोकल करते हैं ठीक है तो आर इक्ट आपका कितना आ गया टोटल आर इक्वलेंट ऑफ दिस होल सर्किट इज सिक्सटीन बाई थ्री यहां पर आर इक्ट की जगह पर आप सिक्सटीन बाय थ्री पुट कर दीजिए फिफ्टीन बाई एट एम्पेयर का करंट आपका फ्लो कर जाएगा ठीक है सो टोटल करंट इन द सर्किट इज 15 बाई एट फर्धर भी इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इन दोनों के थ्रू करंट बताओ तो आई को आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे ठीक है इन दोनों को इसका टोटल आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा आपका टू एंड टू हो जाएगा पोटेंशियल्स निकाल के आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अगर हम सीबीएसई लेवल की बात करें तो आपसे टोटल करंट ही पूछा जाएगा ओके बाकी हम इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं चलिए अब नेक्स्ट कीजिए अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज रेजिस्टेंस आर तो आपके पास कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और रेजिस्टेंस आर है ठीक है एरिया ऑफ प्रोसेक्शन ऑफ अनादर कंडक्टर ऑफ सेम मटीरियल एंड सेम रेजिस्टेंस बट ऑफ लेंथ टू एल एस इन्होंने क्या पूछा है द एरिया ऑफ प्रोसेक्शन ऑफ अनादर कंडक्टर ऑफ सेम मेटीरियल मेटीरियल सेम है दूसरे कंडक्टर का ठीक है कंडक्टर का मेटीरियल क्या है सेम है एंड सेम रेजिस्टेंस अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसका भी रेजिस्टेंस आर है ठीक है अगर ये कॉपर का वायर है तो ये भी कॉपर का वायर है बट ऑफ लेंथ टू एल इज बट इफ इसकी लेंथ है तो इसकी लेंथ टू एल है तो आपको इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में बताना है ठीक है क्या बताया उन्होंने कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है दोनों का मटेरियल सेम है इसकी लेंथ एल है तो उसकी टू एल है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा सो so, हमारा यहां से फॉर्मूला रिवाइज होता है आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए ठीक है वेयर रो इज रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ द कंडक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर तो ये केस तो हो गया इस वाले कंडक्टर के लिए मटेरियल सेम बताने से है मतलब रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है अगर सेम मटेरियल के दो वायर्स हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है सेम है रेजिस्टिविटी डिपेंड कर देती है कि मटेरियल आपका किस टाइप का है अगर सिल्वर सिल्वर मेटीरियल हैं दोनों लेंथ और एरिया ऑफ प्रोसेक्शन अलग है तो रेजिस्टिविटी फिर भी आपकी सेम रहेगी हमने इसको पे काफी डिस्कशन किया था इन प्रीवियस लेक्चर्स ठीक है तो रो रेजिस्टिविटी इसकी रेजिस्टिविटी अगर रो है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी रो होगी चलिए इसका रेजिस्टेंस आर है इसी का भी रेजिस्टेंस आर है तो दोनों ही रेजिस्टेंस हमारे क्या है आर है इसकी लेंथ है रेजिस्टिविटी सेम इसकी लेंथ एल है तो इसकी टू एल हो जाएगी इसका आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताना है और ये दोनों आर आपके सेम है चलो तो इस आर के प्लेस पे हम रो एल बाय सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं दोनों एल तो सेम है तो रो एल बाय ए दोनों आर सेम है तो हम ये इक्वेशन पुट कर सकते हैं इस आर के प्लेस पे ये वाला आर प्लॉट कर सकते हैं रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी कैंसिल लेंथ से लेंथ कैंसिल तो इसका एरिया ऑफ ए डश कितना आ जाएगा आपका ए डश आपका आ जाएगा 2 ए में तो ए डश इज इक्वल्स टू 2 ए ये वाला सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मतलब अगर इसकी लेंथ को आपने डबल किया तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका इससे डबल हो जाएगा सिंपल सी बात है आर को अगर आपको सेम रखना है रो लेंथ डबल करोगे एरिया भी डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस विल बी सेम रेजिस्टेंस आपका क्या रहेगा सेम रहेगा सो so, इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके बनते हैं इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा एक ये फॉर्मुला आपको याद रखना है और अगर बात रेडियस में कर दी जाए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है पाई पाईआर स्क्वायर हो जाता है तो इन दोनों फॉर्मुलेस का ध्यान रखिएगा अगर बात रेडियस में की जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में की जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसके क्वेश्चंस बहुत डीपली कराए गए हैं आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं ओके थैंक यू क्लास